जय भीम, जय जोहार साथियों। क्या आप जानते हैं भारत के संविधान द्वारा दिए गए अनुसूचित जाति जनजातियों का आरक्षण अब खतरे में आ गया है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST वर्ग के आरक्षण में और उपवर्ग बनाने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही क्रीमी लेयर भी लगाने का सुझाव दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद SC ST जातियों के उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा जिनकी एक पीढ़ी ने आरक्षण का फायदा ले लिया है। बाबा साहब ने बड़ी कठिनाई से जिन पिछड़ी अछूत जातियों को सूचीबद्ध कर एकजुट किया था, उनमें अब फूट पड़ जाएगी। क्या आप चाहते हैं SC ST के लोग आपस में लड़ें? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को आरक्षण जैसी सहूलियतें ना मिले? अगर नहीं, तो आइए इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करें और केंद्र सरकार से ये मांग करें कि SC ST आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल किया जाए। इसके लिए सरकार तुरंत एक अध्यादेश लाए। आइए एकजुट होकर आंदोलन में सहभागी बनें। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। दलित हक की लड़ाई है, भारत में देखो छाई है। दलित हक की लड़ाई है, भारत में देखो छाई है। आवाज दो, हम एक है, एक है हम, एक है। आवाज दो, हम एक है, एक है हम, एक है। दिनांक 21 अगस्त सुबह 10:30 बजे। भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद। जुम्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जो दलितों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हम अंबेडकर वादी हैं, संघर्षों के आदि हैं। बाबा साहब के चेले हैं, भारत में सबसे पहले हैं। दलित हक की लड़ाई है, भारत में देखो छाई है। आवाज दो, हम एक हैं, एक हैं हम, एक हैं। जस्टिस नरेंद्र नाथ मिथल के पुत्र जस्टिस पंकज मिथल और पूर्व राज्यपाल RS गवई के पुत्र जस्टिस BR गवई का मानना है कि आरक्षण सिर्फ पहली पीढ़ी को मिले, उसके बाद वालों को नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस YB चंद्रचूड़ के पुत्र चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का फैसला है कि आरक्षण का आर्थिक आधार पर वर्गीकरण किया जाए, क्योंकि आरक्षण का लाभ लेकर SC ST की एक पीढ़ी धनवान और सक्षम बन गई है। इन सभी के कहने का मतलब ये है कि जो लाभ पिता को मिला वो लाभ पुत्र को ना दिया जाए, और ऐसे आदेश देने वाले स्वयं कोलेजियम सिस्टम का लाभ ले चुकी अपनी पहली पीढ़ी यानी पिता दादा या उनके मित्रों के नामांकन पर बिना किसी परीक्षा के इन पदों पर पहुंचे हैं। ये लोग अपने बच्चों को भी इसका लाभ देंगे, लेकिन SC ST वर्ग के बच्चे जिनको आज भी सामाजिक भेदभाव के कारण पीछे रखा जाता है, घड़े से पानी पीने पर, घोड़ी पर बैठने पर, अच्छे कपड़े पहनने जैसी छोटी छोटी बातों के लिए मार डाला जाता है, उनको आरक्षण के इस लाभ से ये लोग वंचित करना चाहते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति का कोलेजियम सिस्टम खत्म कर परीक्षा द्वारा इनकी नियुक्ति की जाए। इसलिए आइए 21 अगस्त के आंदोलन को सफल बनाइए। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। SC ST OBC एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, ये उम्मीद थी कि आजादी के इतने सालों बाद जातिगत भेदभाव और नफरत की मानसिकता खत्म हो जाएगी, लेकिन आज भी गांव से लेकर महानगरों तक, शिक्षा संस्थानों से लेकर
न्यायिक संस्थानों और खेल तक में हर जगह एससी एसटी के वर्ग के लोगों को अपमानित और वंचित रखा जाता है। इस वर्ग का इंसान चाहे कितनी भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, उसे भेदभाव और छुआछूत का शिकार होना पड़ता है। मुख्यमंत्री ही क्या, राष्ट्रपति तक के छू जाने से मंदिर और मकान धुलवा लिए जाते हैं। यानी जब तक जातियां हैं, तब तक भेदभाव भी रहेगा, और जब तक भेदभाव है तब तक जातिगत संवैधानिक आरक्षण भी जारी रहना चाहिए। इस वर्ग का इंसान चाहे कितनी भी दौलत हासिल कर ले, उसके साथ जातिगत व्यवहार नहीं बदलता। ऐसे में कैसा क्रीमी लेयर, कौन सा क्रीमी लेयर? ओबीसी वर्ग में भी क्रीमी लेयर की शर्त डालकर ओबीसी आरक्षण को लगभग शून्य कर दिया गया है। हमारी मांग है कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण से क्रीमी लेयर की शर्त को समाप्त किया जाए। इसलिए आइए 21 अगस्त के आंदोलन को सफल बनाएं। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। एससी एसटी ओबीसी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, पिछले संसद सत्र के बीच 1 अगस्त 2024 को एससी एसटी के खिलाफ एक असंवैधानिक फैसले से संविधान की हत्या की गई है, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियों के एक भी एससी एसटी सांसद ने इस पर संसद में कोई सवाल नहीं उठाया। संविधान बचाने के नाम पर जीती हुई इन पार्टियों ने भी संसद में संविधान को बचाने के लिए कुछ नहीं कहा। आइए उन सांसदों विधायकों से सवाल करें कि वो हमारे वोट लेकर बेईमान क्यों हो गए, सड़क और रैलियों में बोलने के बजाय संसद में क्यों नहीं बोले। आइए इस आंदोलन के जरिए हम उन्हें संदेश दें कि सड़क पर नहीं बल्कि संसद में इस असंवैधानिक आदेश के खिलाफ आवाज उठाकर अध्यादेश लाएं, वरना यह साबित हो जाएगा कि संविधान बचाने का नारा झूठा था। तो इसलिए आइए 21 अगस्त के आंदोलन को सफल बनाइए। एससी एसटी ओबीसी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।